हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 23 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए एसपी और बीएसपी ने लोकसभा उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर गठजोड़ कर लिया है। एसपी बीएसपी के इस दाव से कांग्रेस यूपी में अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में अपनी जेब मिटाने के लिए वो इस नई नई दोस्ती पर ही सवाल उठा रही है। बुआ बबुआ ने नहीं डाली घास तो कांग्रेस को नहीं आई इनकी दोस्ती रास। स्वार्थ के लिए गठबंधन करने का लगाया आरोप। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव बीएसपी ने एसपी उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान क्या किया। विरोधी बीजेपी तो फड़की, कांग्रेस को भी ये साथ रास नहीं आया। कांग्रेस ने गठबंधन पर सवाल उठाते कहा कि ये स्वार्थ बंधन है। दोनों दलों ने जो गठबंधन किया वो जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए किया है। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, ये राज्यसभा के लिए किया गया गठबंधन है जिसमें वो एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं। गठबंधन विचार को लेकर हो, गठबंधन भाईचारे प्रदेश के ताने बाने को लेकर, देश के ताने बाने को लेकर हो, स्वागत है। लेकिन गठबंधन स्वार्थ के लिए होता है तो मुझे नहीं लगता है कि जनता उसको मानेगी। अब जनता उस पर उनकी बात को से सहमति जताएगी। राज बप्पा ने गोरखपुर की चुनावी जनसभा का वीडियो ट्वीट किया और लिखा है कि जिनको मौका मिला उन्होंने धोखे दिए, अब अक्षमता को सांप्रदायिकता से ढकना चाहते हैं। दूसरी तरफ दो दलों का स्वार्थ बंधन जनता को नहीं पदों को निहारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संचालबाजियों के बीच जनता जनार्दन से गठबंधन के लिए खड़ी। ये नहीं कहा कि हमने आवाम के लिए गठबंधन किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने यकजहती के लिए, हमने इस प्रदेश या इस देश की जनता में अमन चैन का रास्ता बनाने के लिए गठबंधन किया है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, हमें राज्यसभा में जाना है इसलिए हमने ये गठबंधन किया है। कौन गठबंधन चाहता कौन नहीं चाहता या कौन समझौता चाहता नहीं चाहता, इस सवाल का जवाब केवल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी और मुझे लगता है कि गोरखपुर के भी जो पिछड़े दलित मुसलमान किसान नौजवान थे वो भी यही चाहते थे कि ये दोनों ताकत एक प्लेटफार्म पर आकर के सामंतवादी विचारधाराओं को, जो मनवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको खत्म करने के लिए अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो अच्छा होगा। कभी सपा बसपा एक हो जाती है, कभी सपा कांग्रेस एक हो जाती है, लेकिन भाजपा के विजय रथ को ये रोक नहीं सकते। बक्सा कैसे बंद हो गया? देखिए बक्सा तो जनता बंद कर चुकी है 2014 में 17 में। बासे बक्सा है, कासे कांग्रेस है, सासे सपा है। बता दें कि कांग्रेस और एसपी ने मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कई संयुक्त सभाएं भी की थी लेकिन यूपी के लड़कों को राज्य की जनता ने नकार दिया। इसके कुछ महीने बाद अखिलेश और राहुल गांधी की राहें जुदा हो गई। यही वजह है कि कांग्रेस ने एकला चलो रे की नीति अपनाते हुए गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन बीएसपी ने राजनीतिक संयम दिखाते हुए इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और अब बुआ और बबुआ ने दोनों दलों के तमाम पुराने मतभेदों को भुलाते हुए गठजोड़ कर लिया है और दुश्मनों की इस दोस्ती से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।